मैं धर्मेंद्र पटेल जिला एक एंटन कार्यक्रम के द्वारा संविधान की विशेषताओं को लेकर प्रस्तुत हूँ। संविधान की विशेषता के तहत उसी क्रम में हम अगली विशेषता पढ़ेंगे। भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में है। संविधान भारत की जनता द्वारा मान्य मूल्यों और आकांक्षा को स्थान को दिए हुए या उसको लिए हुए हमने संविधान को निर्मित किया गया है। अर्थात एक नागरिक के लिए, एक आम जनता के क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान होना चाहिए सरकार के द्वारा, उन सब बातों को इंगित करते हुए हमने एक व्यवस्थित संविधान निर्मित किया गया है। इसी कारण दक्षिण अफ्रीका ने इस भारत के संविधान को एक मॉडल के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में स्वीकृत किया गया है। अगली विशेषता हमारे संविधान की, विश्व शांति का समर्थक होना। हमारा संविधान की जो मुख्य भावना है, प्राचीन इतिहास से प्रमाणित होकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हमने लिया हुआ है। सारा विश्व हमारा एक परिवार है, उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को बलवती देने के लिए हमने संविधान में वसुदेव कुटुंब के भाव को जोड़ा गया है और इसको सम्मिलित किया गया है, जो हमने अनुच्छेद 51 में इंगित की हुई है कि भारत विश्व शांति का समर्थक होगा। हमारे जो विदेशी संबंध होंगे वो आपसी समन्वय के द्वारा निर्धारित होंगे और मध्यस्थता के द्वारा निर्णय को लिया जाएगा। इन सब बातों को प्रावधान किया गया है। आपातकालिक उपबंध होना, ये हमारी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि हमारे संविधान में एक संघात्मक होने के साथ साथ देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा संवैधानिक रूप से किसी राज्य में संवैधानिक रूप से सरकार के निर्धारण न होने की वजह से वहां पर किस प्रकार से शासन प्रणाली हो, उन सब बातों का प्रावधान हमने भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 60 तक किया गया है, जिसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है। आपातकालिक उपबंध के तहत जो हमारी प्रमुख विशेषता है, अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया है, अगर युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऐसी कोई कंडीशन देश में होती है, उस कंडीशन में हमारा पूरा संविधान संघीय होने के बावजूद एकात्मक स्वरूप में बिना किसी प्रतिरोध के परिवर्तित हो जाएगा, यह कहलाता है अनुच्छेद 352, जो देश की एकता, अखंडता और इस विशेष परिस्थिति को बदलने के लिए, उस परिस्थिति से सामना करने के लिए प्रमुखी रूप से हमारी सहायता करता है। अगली विशेषता है, उसी के तहत 356 का प्रावधान किया गया है, जिसको हम सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है, तो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य की विधायिका का विफल होने पर या उस राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शासन का रूप नहीं चल पाता है, तो राज्यपाल के लिखित निवेदन या आदेश पर, तथा अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शासन प्रणाली न चल सके, उस कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति के नेतृत्व में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है, तथा उस राज्य की विधायिका जो मुख्यमंत्री है वो उनको पद से हटाया जाता है, इनको निलंबित किया जाता है, वो कहलाता है राष्ट्रपति शासन। तीसरी प्रमुख विशेषता, इसी के तहत वित्तीय आपातकाल को जोड़ा गया है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल के तहत अगर किसी देश में, किसी स्थान विशेष पर या संपूर्ण देश के किसी भाग पर अगर वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वित्तीय साख की खराब स्थिति को इससे उभरने के लिए राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हमारे देश में अब तक का एक भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल की प्रमुख विशेषता यह होती है, राष्ट्रपति सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जाती है, तथा किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित होने वाले बजट को भी केंद्र सरकार, राष्ट्रपति अपने पास मंगवा कर पारित कर सकता है, और तथा साथ ही राज्य की विधायिका किसी भी प्रकार से धन विधेयक को पारित नहीं कर सकती है। ये सब बातें वित्तीय आपातकाल में उल्लेखित है। तो इस प्रकार आपातकालीन प्रावधान के तहत तीन प्रकार की बहुत ही विशेष श्रेणियां बटी हुई है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अगली प्रमुख विशेषता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये हमारे संविधान में कहीं भी इस पर रूप से उल्लेखित नहीं है समाजवाद शब्द, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा पहली बार समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके द्वारा ये हमारा मकसद क्या है, इसका उद्देश्य है कि हम लोकतांत्रिक व अहिंसक साधनों के द्वारा देश में आर्थिक समानता किस प्रकार से स्थापित कर सके, इन सब बातों को प्रावधान इसमें किया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए इसका प्रमुख मकसद ये भी है कि देश में आर्थिक विषमता अधिक से अधिक न हो और जितने भी उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि अधिक गरीबी की खाई या अमीर की खाई जो
विस्तृत हो रही है उसको रोका जा सके। अगली प्रभु विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रभुता संपन्न राज्य। किसी भी राज्य या देश को संप्रभु राज्य तभी कहा जाता है जब वो देश अपने देश के आंतरिक मामलों को या उसके संबंध में निर्णय लेने में सर्वोच्च होता है, तथा बाह्य मामलों में जिसको हम सामान्य रूप से विदेशी मामले कहते हैं उन मामलों में वह स्वतंत्र होता है, वह देश संप्रभु राज्य कहलाता है। हमारी प्रस्तावना का जो उद्घोषणा वाला भाग है, हम भारत के लोग तथा जो उसके उसको अंगीकृत अधिनियमित आत्मसात करते हैं, ये बातें जो प्रावधान में ली गई है जो बताता है कि हमारा संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है और इस संविधान को बनाने के लिए कोई बाह्य शक्ति या विदेशी ताकत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उनके द्वारा निर्मित नहीं है और देश की जनता ही भारत में सर्वोच्च है, ये बात को प्रमाणित करता है। अगली प्रमुख विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन तथा संसदीय प्रभु सत्ता का समन्वय। ये दोनों अलग अलग विशेषता है, न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय प्रभु सत्ता। न्यायिक पुनरावलोकन विश्व के सर्वाधिक इसका जो प्रचलन हो रहा विश्व में वो अमेरिका है। अमेरिका में सर्वाधिक कानून वही होते हैं जो उसकी न्यायपालिका कहती है, अर्थात यहां पर न्याय की व्याख्या करने के लिए उसकी जो संघीय न्यायपालिका वो प्रमुख होती है, लेकिन ब्रिटेन में ब्रिटेन की जहां की उसकी संसद प्रमुख होती है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून अपने आप में अधिनियम होते, अपने आप में संविधान होता है। लेकिन भारत ने इन दोनों उग्र विचारधारा को न लेते हुए दोनों के समन्वित रूप को लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन का सीधा मतलब होता है संसद के द्वारा बनाया गया कानून तथा कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश का अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है या संविधान के किसी मूल अधिकार को समाप्त कर रहा है, उसको शून्य कर रहा है, उस कंडीशन में न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट उस कानून और आदेश को निलंबित कर सकती है। अगली प्रमुख विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे संविधान में भाग चार में उल्लिखित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है और ये हमने आयरलैंड के संविधान से अधिकृत किए हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य हो, अधिक से अधिक जनता की भलाई करने वाला, जनता की जितनी सेवाएं या उसको सुविधा मिलनी चाहिए उनको देने का प्रयास करता है। दूसरा, ये जो तत्व होते हैं उस किसी राज्य के लिए, किसी राज्य या देश के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में स्थापित होते हैं। आने वाली सरकारों पर छोड़ा गया है कि हमारा संविधान का जो उद्देश्य यह है कि हमारी जनता को कितने अधिक से अधिक सुविधा दे सके। राज्य अगर अपने काम के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के सामान्य राज्य होते हैं, एक होता है लोक कल्याण का राज्य जो अधिक से अधिक सुविधा सेवा देता है, दूसरा होता है पुलिस राज्य। पुलिस राज्य की प्रमुख विशेषता होती है वो केवल और केवल उस राज्य या देश की सुरक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन हमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध होकर इन तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया।